दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बिहार सरकार गंभीर। सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के बाद न केवल युवाओं के लिए खुशखबरी आ रही है, वरना सरकार के वर्तमान कर्मियों के लिए भी अच्छी खबर है। राज्य सरकार इनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर गंभीर है। ये बातें सूबे के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कही है और विस्तार से अपनी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन वाली मांग का भी उन्होंने समर्थन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मात्र शिक्षा ही लोगों के सर्वांगीण विकास का एकमात्र माध्यम है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में जीत पर कांग्रेस को मैनपुरी, जीत पर डिंपल को दी गई बधाई। कुर्नी की हार पर कुछ नहीं बोले नीतीश कुमार। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हिमाचल चुनाव में जीत पर कांग्रेस और मैनपुरी उपचुनाव में जीत पर सभा को बधाई दी। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हार्दिक बधाई। नीतीश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव की भारी जीत पर उन्हें भी हार्दिक बधाई। अलीगढ़ बिहार की राजधानी पटना शहर के अधिकतर स्कूलों में नए सत्र में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहर के अलग अलग स्कूलों में सीटों के मुताबिक एडमिशन लिए जाएंगे। 2023-24 के लिए स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। शहर के अधिकतर स्कूलों में 15 दिसंबर से LKG के लिए ऑनलाइन फॉर्म मिलने लगेंगे और इसके लिए अभिभावकों को 1,000 से 1,200 रुपये तक का देना होगा। LKG के लिए फॉर्म अधिकतर ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे। अगली खबर, बिहार पुलिस में जल्द 62,000 पदों पर होगी बहाली। नए साल में बंपर भर्ती। बिहार पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। नए साल में नीतीश कुमार बिहार पुलिस में 62,000 पदों पर बंपर भर्ती करने जा रहे हैं। शुरुआत के 6,500 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें सिपाही रैंक के पदों पर अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा 55,000 से ज्यादा अन्य पद भी भरे जाएंगे, जिसमें सिपाही के अलावा दरोगा, ASI, हवलदार, चालक, सिपाही शामिल है। खास बात यह है कि नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण भी मिलेगा। अगली खबर, बिहार में फेल हो रहा गठबंधन का फॉर्मूला। बिहार में नीतीश कुमार ने अगस्त में NDA से खुद को अलग करते हुए गठबंधन में वापसी की और बिहार में नई सरकार बनाई। इसके बाद कहा जाने लगा कि बिहार में अब BJP की राह बहुत कठिन हो जाएगी। हालांकि इसके बाद यहां 3 उपचुनाव हुए और 2 सीटों पर RJD JDU गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन और खासकर नीतीश कुमार के लिए ये हार इसलिए मायने रखते हैं कि इन उपचुनाव में खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे। गोपालगंज सीट पर RJD उपचुनाव लड़ रही थी, यहां तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित किया। वहीं कुर्नी में तो दोनों नेताओं की पहली बार संयुक्त रैली हुई। वहीं BJP की बात करें तो 1-2 स्टार कैंपेनर को छोड़ दें तो स्थानीय नेताओं ने ही यहां पर प्रचार किया था। अगली बार कुर्नी रिजल्ट में BJP ने कुशवाहों के गढ़ में हरा दिया कुशवाहा को। गठबंधन का जातीय समीकरण हुआ फेल। आपको बता दें कि कुर्नी में उपचुनाव RJD विधायक अनिल सैनी को अयोग्य घोषित हो जाने की वजह से कराया गया था। ये सीट BJP ने गठबंधन से छीन ली है। पूरे देश में गुजरात, हिमाचल की विधानसभा चुनाव और मैनपुरी में लोकसभा में उपचुनाव के नतीजों की चर्चा है, लेकिन बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। विपक्षी एकता का झंडा उठाए बिहार के CM नीतीश कुमार की पार्टी JDU के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा सारे समीकरण पक्ष में होते हुए भी हार गए। इस जीत में सबसे बड़ा फैक्टर बनकर चिराग पासवान बनकर उभरे हैं। ये सीट नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी। RJD के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार के लिए यह पहला चुनाव था। नीतीश खुद को ECB के नेता के तौर पर मानते हैं। इसके साथ ही JDU RJD का वोट प्रतिशत मिला दे तो बिहार में गठबंधन इतना मजबूत हो जाता है कि BJP इसके आगे कहीं नहीं टिकती। अगली खबर, 10 लाख नौकरी के वादे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव की वैल्यू नहीं। नीतीश भी झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में 10 लाख नौकरी देने के वादे को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि Deputy CM तेजस्वी यादव ने कहा था कि सत्ता में आते ही वो पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियों के प्रस्ताव पर मुहर लगाएंगे। उन्हें सत्ता में आए महीनों हो गए, क्या कलम की स्याही सूख गई है? PK ने कहा कि तेजस्वी यादव की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जनता से 1 साल में 10 लाख नौकरियां देने का झूठा वादा कर दिया है। अगली खबर, सरकारी अस्पतालों में दवा समाप्त होने का बहाना नहीं बना पाएंगे स्वास्थ्य कर्मी। विभाग ने बना दिया प्लान। आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जारी बदहाली पर रोक लगाने को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा काफी सख्ती बरती जा रही है। इस कड़ी में अब तो ताजा जानकारी प्राप्त हो रही है। उसके मुताबिक अब राज्य में किसी भी सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी दवा देने से मरीज को मना नहीं कर पाएंगे। दरअसल राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सरकारी स्वास्थ्य अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में चिकित्सकों के परामर्श के बाद दी जाने वाली मुफ्त दवा हर मरीज को मिले इसके लेकर नया निर्देश जारी कर दिया है। अलीगढ़ कुर्नी सीट जीतने के बाद बोली BJP, कहा कि जनता के हाथ में है, किसी पार्टी के पास नहीं। अहंकार में ना रहे नीतीश कुमार। कुर्नी उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद BJP अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुंहतोड़ जवाब देने में लगी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश पर बड़ा हमला बोला
और कहा कि वोट जनता के हाथ में होता है, किसी पार्टी के हाथ में नहीं, और इसलिए नीतीश कुमार अहंकार में ना रहे। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में 3 उपचुनाव में 2 में मुंह की खाली पड़ी है। अगली बार बिहार में ऐप से पढ़ेंगे 3500 के 6 लाख छात्र, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बोर्ड की संस्था के साथ सहमति। बिहार मदरसा बोर्ड अब मदरसा के छात्रों को हाईटेक करने जा रहा। अब प्रदेश में संचालित मदरसों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की ई बुक्स और ई लाइब्रेरी आदि की सुविधा मिलेगी। बिहार के करीब 3500 मदरसों के 6 लाख छात्र अब इम्बाइज ऐप से ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसको लेकर इम्बाइज ऐप के रीजनल मैनेजर और बोर्ड के बीच सहमति बन गई है। सभी मदरसों में कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐप से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए यूनिसेफ और बिहार सरकार से छात्रों के लिए टैब, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट समेत अन्य चीज़ों की मांग की जाएगी। जिन छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है उससे पहले शुरुआत की जाएगी। अगली खबर, कटिहार के दियारा में हुए गैंगवॉर में पीड़ित परिवार को मरहम लगाने के नाम पर राजनेताओं ने शुरू कर दी है राजनीति। कटिहार के बरारी चांदपुरा दियारा में गैंगवॉर में 4 लोगों की हत्या और अब तक कई लोग लापता होने की खबर अब राजनीतिक रूप लेने लगी है। 2 दिसंबर को यादव और ठाकुर गैंग में हुए दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंचकर इस हत्या के पीछे भाजपा कनेक्शन के आरोप लगाए थे। अब इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए गठबंधन की तरफ से माले के वरिष्ठ नेता वर्तमान विधायक महबूब आलम ने गंगा दियारा की घटना को भाजपा की साजिश बताया। अगली खबर, खाकी के फेर में खुद फंस गए बिहार के बड़े आईपीएस अफसर, दर्ज हुआ केस। बिहार में विशेष निगरानी इकाई ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और मगध रेंज के पूर्व आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। इससे पहले एसपीयू ने गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ डीए केस दर्ज करते हुए उनके 3 ठिकानों पर छापे मारे थे। विशेष निगरानी इकाई के मुताबिक अमित लोढ़ा पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी सेवक के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लाभ में वित्तीय अनियमितताएं की। अलकर कुड़नी हार के बाद नीतीश पर चौतरफा बार, बीजेपी के बाद आरजेडी नेता ने मांगा सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा। विधानसभा का उपचुनाव हारने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा घिरते नजर आ रहे। विपक्षी बीजेपी के साथ ही सहयोगी कांग्रेस, हम और आरजेडी के नेता भी तंज कसते हुए कई तरह के सवाल उठा रहे। पूर्व डिप्टी सीएम सह बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के बाद कुड़नी के पूर्व आरजेडी विधायक अनिल सैनी ने भी सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। पूर्व विधायक अनिल सैनी ने कहा कि कुड़नी की हार नीतीश कुमार की हार है, उनको नैतिकता के आधार पर जल्दी इस्तीफा देना चाहिए और तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहिए। कुड़नी के अति पिछड़ा समाज ने अति पिछड़ा को अपना प्रतिनिधि चुना और नीतीश कुमार से अति पिछड़ा वोट अलग हो गया। और कुड़नी उपचुनाव में चिराग पासवान ने जलाई भाजपा की जीत की लौ। अनुसूचित जाति के वोट भाजपा को जिताने में रहे सफल। आपको बता दें कि कुड़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता की जीत के बाद वोटों का जोड़ घटाव शुरू हो चुका है। भाजपा के जीत में नेताओं की भूमिका पर चर्चा चल रही। पिछले चुनाव में राजद की जीत को देखते हुए गठबंधन का समीकरण मजबूत माना जा रहा था। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की 4 सभाओं के बाद वोटों का बिखराव भी थम गया था। हालांकि चिराग पासवान ने अपनी सभा में राज्य सरकार की शराबबंदी को लेकर हो रही पुलिस की कार्रवाई से नाराज अनुसूचित जाति के वोटों की दुखती रग पर हाथ रख दिया और अंतिम दिन लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान की सभा ने चुनाव को रोमांचक बना दिया। अगली खबर, बांका में मां के साथ शादी में जा रही बच्ची से रेप। बांका में मां के साथ शादी जा रही 10 साल की बच्ची से रेप किया गया। गांव के ही 35 साल के युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। मां ने बताया कि वो बच्ची के साथ शादी में जा रही थी, उसे टॉयलेट लगी तो खेत की तरफ चली गई। हम लोग थोड़ा आगे थे तभी उसकी चिल्लाने की आवाज आई। मैं दौड़कर पहुंची तो देखा प्रहलाद दास बेटी के साथ गंदा काम कर रहा था। यह मामला बांका के बौसी थाना क्षेत्र के गांव का है। बच्ची की उम्र 10 साल है। युवक ने शराब के नशे में मासूम बच्ची के साथ रेप किया। अगली खबर, शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन द्वारा कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। सीमावर्ती जिलों में तस्करी का सबसे ज्यादा मामला सामने आता है। इसी पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग के द्वारा हैंड स्कैनर सा एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा। इसी क्रम में छपरा के माझी चेक पोस्ट पर बिहार उत्पाद विभाग के द्वारा हैंड स्कैनिंग मशीन लगा दिया गया है, जिससे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी वाहनों को मशीन के माध्यम से स्कैन करके अंदर रखे गए वस्तुओं की जानकारी ले ली जा रही है।